अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको लूप्स वाला नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। शर्ट की मैंने बिल्कुल सिंपल कटिंग की है। गले की, कंधे की और आर्म होल की कटिंग आप अपने नाप के हिसाब से करेंगी। आप किसी भी तरह की शर्ट के साथ ये वाला गला बना सकती हैं। तो सिंपल शर्ट की कटिंग करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुकरम को डबल करके मैंने गले का निशान लगाया है। लंबाई मैंने इसकी 6 इंच रखी है और चौड़ाई 3.5 इंच। जो गोलाई में मैंने निशान लगाया है वो दोनों तरफ से मैंने 3 इंच का गैप देके लगाया है, अंदर का निशान। अब बाहर का निशान मैं 1 इंच का गैप देके लगा रही हूँ इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले मैं अंदर वाली साइड से कटिंग करूँगी। जो मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल मैं निशान के ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग करने के बाद अब मैं बुकरम को कपड़े पे चिपका रही हूँ। मैंने शलवार के साथ का प्लेन कपड़ा लिया है, उस प्लेन कपड़े पे रख के मैंने बुकरम को चिपकाया है और मैंने कटिंग कर ली है। अब लूप्स बनाने के लिए मैंने स्क्वायर पीसेस कट किए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पीसेस लिए हैं। अब कपड़े के ऊपर लगाने के लिए मैंने एक बाउल में 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके इस तरह से लिक्विड बना लिया है। इसके अलावा लूप्स बनाने के लिए हमें एक बड़ी सुई और कपड़े के साथ का धागा चाहिए। ये चीज़ें हैं जो हमें लूप्स बनाने के लिए चाहिए। अब जो मैंने लिक्विड बनाया था उसको मैं कपड़े के ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। अब जो मैंने बड़ी सुई ली है उसको लेके कपड़ा इसके ऊपर मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। कपड़े के ऊपर लिक्विड लगाने का मकसद ये है कि जो कॉर्न फ्लावर है वो कपड़े को अच्छी तरह से बाइंड कर लेगा और ये जो लूप्स है वो खुलेंगे नहीं और सफाई से बनेंगे। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को सुई के ऊपर फोल्ड करना है और हमने इसको हाफ़ फोल्ड करना है, बाकी हाफ़ हमने इसको खुला छोड़ देना है। और फिर इस तरह से करना है इसको फोल्ड। ये आप ध्यान से देखें, ये देखें ये कितनी आसानी से फोल्ड हो गया है। अगर हम लिक्विड ना लगाते तो ये कपड़ा इतनी सफाई से फोल्ड ना होता, ये बार बार खुलता। अब हम धागे को इसके गिर्द लपेटेंगे। 2-3 इसके चक्कर लगाने के बाद इसको इस तरह से डबल करके बंद कर देना है। आप देखिए धागा लग गया है और हमारी लूप बन गई है। फालतू कपड़ा नीचे से काट देंगे। ये देखिए कितनी सफाई से बनी है। अब इसी तरह से बाकी जो मैंने कपड़े लिए हैं उसी तरह से इनके ऊपर लिक्विड लगाऊंगी। लिक्विड हमने पूरे कपड़े के ऊपर नहीं लगाना, जितना हमने फोल्ड करना है सुई के ऊपर सिर्फ मैं उतनी जगह पे लगा रही हूँ। इस तरह से सब तरफ से बराबर फोल्ड करना है हमने सुई के ऊपर कपड़े को, और फिर इस तरह से नीचे से फोल्ड कर देना है। अब मैं इसके गिर्द धागा लपेटूंगी। धागे को अच्छी तरह से लपेटना है ताकि वो खुले ना। फालतू कपड़ा नीचे से काट देना है, फालतू कपड़ा ऐसे नहीं छोड़ना। और ये मैंने काफ़ी सारे लूप्स बना लिए हैं गले के साथ लगाने के लिए, तकरीबन 30 से 35। बुकरम जो मैंने कपड़े पे चिपकाया था, बुकरम के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है, फिर नीचे वाला कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाई है, 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इसकी उल्टी साइड पर मैं लूप्स लगा रही हूँ। देखिए 2 सिलाइयाँ लगाई हुई थी, जो दूसरी वाली अंदर वाली सिलाई है उसके ऊपर रख के मैं लूप्स को लगा रही हूँ। अंदर वाली और बाहर वाली सिलाई के सेंटर में लूप्स आ रहे हैं। लूप्स की सीधी साइड मैंने ऊपर की है और लूप्स को देखे मैं जोड़ जोड़ के लगा रही हूँ, इनके दरमियान में ज़्यादा गैप नहीं रखना। इस तरह से मैं गले के साथ सारे लूप्स लगाऊंगी और देखे जो नीचे वाला धागा है उसके ऊपर करके मैं सिलाई लगा रही हूँ।
ये सारे लूप्स देखे लग गए हैं। अब इसको मैं शर्ट के साथ अटैच करूँगी। गले की सीधी साइड मैंने अंदर की है और शर्ट की सीधी साइड मैंने ऊपर की है। अब मैं उल्टी तरफ से इसकी सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के साथ लगानी है। और ये सिलाई लगाने से पहले आप शर्ट को गले के ऊपर रख के पिंस लगा लें अच्छी तरह से, ताकि सिलाई लगाते वक्त गला जो है वो हिले ना। तो देखिए जो पिंस मैंने लगाई हुई थी सिलाई लगाते वक्त, साथ साथ मैं उनको हटा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब अंदर से हाफ इंच कपड़ा छोड़ के बाकी फालतू कपड़ा मैं काट रही हूँ। बिल्कुल किनारे से नहीं काटना, हाफ इंच कपड़ा आपने फालतू छोड़ना है, वहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। तो कटिंग करने के बाद अब मैं इसके कट्स लगाऊंगी सारी गोलाई में। ये कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। कट्स के दरमियान एक इंच का गैप है। उसके बाद अब मैं इसको सीधा करूंगी कपड़े को। ये देखें, ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ चला गया है और लूप्स बाहर आ गए हैं। अब मैं लूप्स के साथ सिलाई लगाऊंगी मशीन पे। अब उल्टी तरफ से कपड़े की सिलाई मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ। उसके बाद दोनों कंधों की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब मैं पिछला गला बनाऊंगी। उसके लिए कपड़े की मैंने तिरछी पट्टी काटी है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। पिछले गले के लिए आप हमेशा तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करें। अब मैं इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सारी पट्टी को पीछे लेके आना है और फिर उसको दोबारा फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके कंधे के ऊपर एक और सिलाई मैंने लगा दी है। दूसरी तरफ से भी इस पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करना है। सारी पट्टी को पीछे लेके आके फिर दोबारा से फोल्ड करना है। इस तरह से कंधे की सिलाई में सफाई आती है। ये वाला कपड़ा ऊपर कंधों से निकलता नहीं है। ये देखें, अब सुई की मदद से मैंने किनारे को निकाला है और ये देखें कितनी सफाई से आया है। अब मैं बैक साइड की आखिरी सिलाई लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारा लूप्स वाला गला तैयार है। आप इन लूप्स में मोती भी लगा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल रोशनी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।